और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये देख रहे हो गाड़ी का इंडिकेटर, ये वाली गाड़ी इंडिकेटर दे रही है रोड पे, अगर आप गाड़ी चला रहे हो ये गाड़ी दे रही है ना इंडिकेटर दोस्तों, और मैंने भी अपनी गाड़ी का इंडिकेटर दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो रोड के ऊपर कार चलाते समय, ड्राइविंग करते समय इंडिकेटर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कार चलाने में बहुत मदद करेगी। इंडिकेटर आप कहीं भी जाते हो, आपको कहीं भी दाहिने बाएं साइड इधर उधर मुड़ना है, कहीं भी मुड़ना है दोस्तों, तो आप इंडिकेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। कभी भी भूल के मिस मत करना इस चीज़ को कि मैंने इंडिकेटर दिए बिना ही मुड़ गया, क्योंकि आपके पीछे ही कारें और कार जो है लगी रहेगी, आपके पीछे जो है कारें चढ़ी रहेंगी, आप इधर मुड़ोगे उनको पता भी नहीं चलेगा आप किस साइड को मुड़ोगे, तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है कि उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ठीक है, बहुत आदमियों के साथ यही चांस हुआ है कि बिना उसके उन्होंने किया, और दोस्तों ये एक मिनट रेड लाइट होगी, तो उसके बाद दोस्तों एकदम से उन्होंने क्या किया कि एक्सीडेंट हो गया दोस्तों उनका, इसी चक्कर में कि गाड़ी जो है उन्होंने इंडिकेटर नहीं दिया, और जैसे देखो ये गाड़ी मुड़ी इधर को और इसने इंडिकेटर दिया था और अभी ये जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती मत, भूल के भी मत गलती करना कि बिना इंडिकेटर दिए ही आप मुड़ जाओगे। आपको इतना मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया कब हो गया, क्योंकि ये रोड है, मेन हाईवे रहता है दोस्तों, इस पर एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इंडिकेटर दिए बिना कभी भी मत मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर दिए बिना कभी भी नहीं मुड़ना, रोड की मेन यही है। जब आपको अगर किसी साइड मुड़ना है, मान लो आपको मुड़ना है, तो उससे 5 मिनट पहले आप इंडिकेटर दे दो, अपना इंडिकेटर को चला दो कि जो आपको पता चल जाए कि ये गाड़ी जो है किस साइड में जा रही है। ठीक है दोस्तों, कि मेरी गाड़ी किधर को मुड़ने वाली है, और पीछे वाले को भी पता चल जाएगा कि आपकी कार किस साइड को मुड़ने वाली है, और वो पहले आपके पीछे से हट जाएगा, साइड हट जाएगा। ठीक है, आपसे पहले ही साइड हट जाएगा कि मेरे को किस साइड मुड़ना है या किस साइड जाना है। तो आप प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है दोस्तों, इस चीज़ को गलती मत करना, ये बहुत रोड के ऊपर एक्सीडेंट होने के बहुत चांस हो जाएंगे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल का बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों। धन्यवाद, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक डाल रखी है कार सीखने की। धन्यवाद दोस्तों।